तो गाइस वैसे तो आप लोगों को बहुत पता होगा भाई कौन से हैक आ चुके हैं कैरमबोर्ड में अभी तक के, और जो अपने सबसे पुराना जो लुलू बॉक्स था भाई और जो बेटन था, और अभी जो लेटेस्ट हैक आ चुका है भाई अपना एटोप्ले हैक, उसके बारे में तो बात नहीं करने वाले। जो पुराने अपना लुलू बॉक्स और जो एम कैरम है वो अभी तक के भाई जिंदा है, ठीक है ना, मरी नहीं है वो अभी तक के। अरे भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है भाई आईटू प्ले लेटेस्ट हैक चालू है। वैसे जो लुलू बॉक्स और एम कैरम किया थे वो तो भाई अभी तक के गए नहीं, मतलब जो अभी एम कैरम लुलू बॉक्स है वो अभी भी उससे गेम प्ले कर रहे लोग, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि पूरे लोग आ चुके हैं आईटू प्ले हैक में। तो गाइस आज उसी टॉपिक पे गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि जो लुलू बॉक्स प्लेयर थे और एम कैरम प्लेयर थे बहुत दिन से मैंने वीडियो लेके नहीं आया था, वो भी फनी वीडियो, तो मैंने लेके आ चुका भाई फाइनली। आप लोगों की डिमांड भी थी जो लुलू बॉक्स एम कैरम प्लेयर थे भाई उनका गेम प्ले लेके आओ, तो फाइनली लेके आ चुका हूँ। तो पहले भाई आप लोगों ने देख लिया किस तरह से अपने ओपोनेंट मिस करता है, और ये लुलू बॉक्स प्लेयर था, ठीक है, एम कैरम प्लेयर नहीं था, लुलू बॉक्स प्लेयर था, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे चांस मुझे मिल जाता है, और यहाँ पे देखो किस तरह से मैं सिंगापुर का गेम प्ले फिनिश करता हूँ। यहाँ पे सोच रहा था भाई कौन सी कॉइन पोर्ट करूँ, बहुत सारे कॉइन मेरे सामने थे वैसे भी, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले स्लोली इसको मैं टॉप लेवल में मार लेता हूँ भाई सीधे सीधा। और यहाँ पे देखो ध्यान से अभी क्या होता है, तो फिलहाल देखो जो दो सेंटर के जो कॉइन है मुझे वो निकालना था, तो अभी मैं देख रहा था अभी दोनों कॉइन को किस तरह से निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरे पास दो कॉइन थे ऑलरेडी जो अपने थंब में, तो पहले तो मैं इससे ट्राई करता हूँ सेंटर के जो अपने कॉइन है वो निकाल लेगा, और इसकी मदद से भाई तीनों के तीनों कॉइन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। वैसे तो एक कॉइन जा रही है टॉप लिप में, कट मारा तो निकल जाएंगे वो भी मेरे शायद मेरे ख्याल से। तो चलो क्या करता हूँ अब मैं देखो, तो यहाँ पे मैं एक प्यारा सा किशोर मारता हूँ जो रास्ता अपना रोक के रखे थे ना अपने ओपोनेंट की कॉइन ने, उसको थोड़ा सा हटाने की ट्राई करता हूँ, हटा भी लेता हूँ भाई। और शॉट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना ये शॉट, और अच्छे से शॉट तो देखने को मिलने वाले आप लोगों को ऑलरेडी इसमें, और कुछ गेम प्ले में लॉस भी होने वाला हो इस वीडियो में, तो आप लोगों ने बने रहना है, बहुत मजा आएगा गाइस, ठीक है ना। तो चलो भाई, तो पहले तो यार दोनों कॉइन को पोर्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट गेम प्ले पे चलते हैं भाई, क्योंकि बहुत फनी गेम प्ले डाला नेक्स्ट गेम प्ले। तो चलो आ चुके हैं अपन नेक्स्ट गेम प्ले पे, तो यहाँ पे तो ट्रन तो मुझे मिल जाती है, पर गाइस आप लोगों ने देखना है मेरे साथ क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रेक लगा के एक कॉइन मेरी पोर्ट कर लेता हूँ, एक कॉइन थंब में भी आ जाती है, इससे मैं बम बना के भी जो ऊपर की जो कॉइन है वो रिलीज करने की ट्राई करता हूँ, पर कॉइन अपनी रिलीज नहीं होती। यहाँ पे ध्यान से देखो भी चिपकी हुई कॉइन है, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ भाई ऊपर से मारने का इस कॉइन को, पर क्या आता है गाइस ब्रश हो ही जाता है। तो ध्यान से देखो, ये देखो ब्रश हो ही जाता है, मुझे पता था ब्रश होगा, और यहाँ पे हो जाता है मिस, हमारे यहाँ ऐसा ही होता। तो क्या करेगा ऐसे, अभी कॉइन बोल रहे थे पहले में पर दोनों में से एक भी जाती नहीं कॉइन यहाँ पे, और भी दोनों ब्रश होगी भाई वायर भी आ जाते हैं। चलो कोई नहीं, पर यहाँ पे देखो अपने ओपोनेंट की टर्न आ चुकी है, तो यहाँ पे भाई किस तरह से प्ले करते हैं आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, किस शॉट किस तरह से मारते, मतलब कनेक्शन शॉट ही मारेंगे मेरे ख्याल से ये, क्योंकि कोई भी कॉइन सिंगल तो नहीं खेलेंगे। और ये भाई बोलते वीडियो अपलोड करना ब्रो, जरूर भाई जरूर अपलोड करेंगे। देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो ट्रिपल कनेक्शन शॉट भाई, तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? तो भाई यहाँ पे शर्म किस बात की रहेंगे भाई, बेटेम प्लेयर की भाई, उनका तो पेशा है भाई ये बेटेम से गेम खेले करना, ठीक है ना, तो शर्म तो कतई नहीं होने वाली उनको। और यहाँ पे देखो भाई एक से एक ट्रिपल कनेक्शन शॉट मारे जा रहे हैं यहाँ पे, अभी फिलहाल देखना क्या होता है। तो अभी तो एक कॉइन उनके जो अपने थंब में, उनके थंब में जो फंसे हुए अपने कॉइन के बीच में, तो उसको वाली कॉइन को निकालने की ट्राई करेंगे गाइस, और ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है ना। तो भाई लोग इस शॉट से आप लोगों को पता चलेगा भाई कितना नूब प्लेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अंदाज़ा लगा रहा था कनेक्शन का, मतलब जो एम दिखाता है ना, तो यहाँ पे देख रहा था अभी बांधने की ट्राई कर रहा था, पर अपनी जो कॉइन है भाई वो रास्ता रोक रही थी इसका। और ध्यान से देखना किस तरह से अभी क्या करता है, पहले ये कॉइन पोर्ट करता है, क्योंकि उसको वो कॉइन समझ में नहीं आती भाई किधर पोर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी वाली बात है गाइस, और ध्यान से देखना अभी क्या करते हो। तो यहाँ पे डबल से क्या करते हैं, ट्राई करते भाई मारने का कनेक्शन, और यहाँ पे देखो क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो मेरे ख्याल से फास्ट खेलना चाहिए इन्होंने, यार सोचने लग गए भाई अपना क्या करें यार। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हुए क्या करते हैं। चलो ये वाली कॉइन से कुछ करने की ट्राई कर रहे भाई, ओ भाई मतलब हटा के मारा ये शॉट, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा शॉट लगा मुझे, एम शॉट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो अभी ये वाला जो शॉट है ना गाइस भाई, बहुत ही फनी शॉट होने वाला है, ध्यान से देखना आप लोगों ने। तो चलो भाई ये टाइम तो बहुत ले रहा है, मुझे पता है भाई इसको समझ में नहीं आ रहा भाई कॉइन किधर, कौन सी कॉइन किधर पोर्ट करूँ, मतलब गाइस एकदम से भोकला गया ये, समझ में नहीं आ रहा इसको भाई कौन सी कॉइन किधर पोर्ट करना है, और ट्रिपल कनेक्शन शॉट मार रहा है भाई यहाँ पे देखो। ओहो हो क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब भाई सेम ही नहीं आ रही, क्या शॉट था गाइस, मतलब मुझे समझ में नहीं आया भाई किस तरह का शॉट मारा भाई ने, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और भाई इसकी कॉइन को तो भी धक्का भी लगता नहीं है, सिर्फ साइड में जाके खड़ी हो जाती है इसकी कॉइन एक जगह पे, फिर बाद में क्या करता हूँ भाई मैं इसके मजे लेते हुए इनडायरेक्ट अपनी जो कॉइन भी पोर्ट करता हूँ, और सीधे सीधे इस वाले कॉइन को मैं इधर पॉकेट में पोर्ट कर लेता हूँ। अब देखना क्या करते हैं, दोनों कॉइन अपनी तो वैसे श्योर है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जो तो टेढ़ा कनेक्शन अपना उसको थोड़ा सा सीधा करके टच करके मैं पोर्ट कर लेता हूँ, और जो लास्ट वाली कॉइन है भाई उसको कनेक्शन मार के भाई गेम प्ले भी इजीली विन कर लेते, बहुत मजा आएगा इस, ठीक है ना।
तो गाइस अब जो ये नेक्स्ट गेम प्ले में हम आए ना, इसमें आप लोगों को लुलू बॉक्स एम के आरम की हद पार हो रही दिखेंगे आप लोगों को। इतने खतरनाक कनेक्शन शॉट देखने मिलने वाले इस गेम प्ले में, मतलब पूरी हद ही पार कर देता है बंदा। मतलब एक भी कॉइन को सिंगल शॉट नहीं मारता है, सभी के सभी शॉट भाई इनडायरेक्ट खेलता है, मतलब कनेक्शन शॉट बना के खेलता है। तो आप लोगों ने देखना है भाई, अगर जब भाई आप लोगों को कॉइन चाहिए, जेम चाहिए, तो गाइस कुछ भी चाहिए कम प्राइस में, मुझे पता आपके पास कॉइन्स नहीं होंगे, जेम्स नहीं होंगे, अगर जब कैरम पास भी आपको लेना है तो भी एक कमेंट बॉक्स में एक पिन दे वाली नंबर दे वाला, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला, 100% ट्रस्टेड है भाई, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो भी किस तरह से अपना ये ओपोनेंट भाई किस तरह से इनडायरेक्ट पोर्ट करने की ट्राई करता है। तो ये भी कॉइन इनडायरेक्ट, अभी एक और कनेक्शन शॉट देखने मिलने वाला आप लोगों को, जो सेंटर में रेड वाली कोइन है मेरे ख्याल से उसको इनडायरेक्ट खेलेगा। लो भाई यहाँ पे एक और कनेक्शन मारता है गाइस, एक और टॉप लेफ्ट में कनेक्शन मारता है, ध्यान से देखो, मतलब कनेक्शन की लाइन ही लगा दिया भाई बैक टू बैक इसने। और यहाँ पे ये वाली कॉइन भी वो इनडायरेक्ट पोर्ट करता है भाई कनेक्शन के साथ। अब जो दो कॉइन फंसे हुए टॉप लेफ्ट में भाई, वो शॉट देख के तो आप लोग पागल हो जाओगे भाई। मतलब ऐसा भी कोई गेम खेलता है गाइस, आई टू प्लेन तो वैसे दिमाग में नाक में दम करके रख दिया था भाई, ठीक है आपको तो पता होगा। और जो एम के आर एम है भाई वो भी कम नहीं है भाई, वो भी इनडायरेक्ट गेम खेल कर सकता है, एम के आर एम भी कम नहीं है लुलू बॉक्स से और अपनी जो आई टू प्ले से दोनों से कम नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों ने ये शॉट देखना भाई, यहाँ पे मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरह से मारा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, मतलब गाइस ये भी सोचने वाली बात है भाई, एक बार टर्न अपने ओपोनेंट के पास चली गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और भाई आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास टर्न नहीं मिलती है तो। और चलो आपको तो पता है भी जो ऐटो प्ले हैक है भाई, सबसे ज़्यादा एडवांटेज उनको ही मिलता है भाई, सिर्फ ऐटो प्ले हैक एक्टिव कर लो भाई वो ऑटोमेटिक खेलते बैठता है भाई, क्या ही सीन है भाई। मतलब इतने खतरनाक हैक बनाने वाले भी लोग हैं दुनिया में भाई, तो मुझे तो समझ में नहीं आता किस कारण इन्होंने ये हैक बनाया भाई, और जो बंदे भी यूज़ करते हैं ऐटो प्ले हैक उनको क्या मिल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता भाई क्या है क्या है नहीं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। दादा मैं एक्टिंग नहीं करा लागलो यार, मैं ले परेशान झालो, ये लाइटो प्ले हैक ना और लुलू बॉक्स हैक ना, मी काय सांगू तुम्हाला यार, माझ्याजवळ गोष्ट नाही यार मैं सांगायसाठी, पण काय करू शकतो मी, माझ्या हातात तो नाही आहे ना काही, तो चलो गाइस क्या कर सकते हैं। तो यार मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो किस तरह से गेम प्ले करते जा रहा है अपना ओपोनेंट, मतलब यार किस शॉट पे किस शॉट मारते जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये कनेक्शन शॉट भी मार ले रहा है टॉप लेफ्ट में, मतलब गजब बेइज्जती है गाइस यहाँ पे, ध्यान से देखो ये जो शॉट है भाई ये शॉट बनता ही नहीं है, यहाँ पे फिर भी ट्राई कर रहा है भाई बंदा मारने का, और यहाँ पे समझ में आ रहा है किधर से आते ऐसे लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे तो ये लोगों ने नाक में और दिमाग में दोनों में दर्द करके रख दिया मेरे, ठीक है ना, सर में भी दर्द करके रख दिया ऑलरेडी, पहले तो मेरा यहाँ पे भाई कम था, और जो आई टू प्ले हैक आ गया तो उससे तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब हो चुका है। तो चलो गाइस उस पर बात नहीं करिए, यहाँ पे थोड़ा सा फनी अपना वीडियो बनाना था अपने को, तो यहाँ पे देखो किस तरह से कनेक्शन मारने की ट्राई कर रहा है बंदा, और देखो भाई यहाँ पे मार भी लिया भाई, मतलब एक कॉइन तो उसने फंसा लिया यहाँ पे बीच में, पर उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे देखो किस तरह से मार दिया ये कॉइन, ओ भाई मतलब क्या ही बोलना गाइस, यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉइन डिफिकल्ट है, फिर भी बंदा देखो कहाँ पे मारता है कॉइन, मैं दिखा रहा हूँ आपको इशारे से, ऊपर भी मार सकता है, तो लो गाइस उधर ही मार रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया है देखो स्टार्टिंग में, लो भाई ये भगवान क्या जुल्म है, मेरे साथ तो रोज़ जुल्म होते जा रहा है गाइस, आप लोगों के साथ हो रहा कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने, और भाई कल कौन से टॉपिक पे वीडियो लेके आओ वो भी आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने, ठीक है ना, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ कमेंट करना भी किस टॉपिक पे गेम प्ले आप लोगों को चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आप लोगों ने प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना है कमेंट बॉक्स में, और अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो तो आप लोगों को पसंद आएगा मुझे पता है, फिर भी लाइक कर दो यार, लाइक क्यों नहीं करते यार आप लोग वीडियो को, तो लाइक करो गाइस, ठीक है ना, ये लास्ट गेम प्ले होने वाला है वैसे भी, क्योंकि मैं लास्ट में बोल रहा हूँ आप लोगों को, मुझे पता है मैं आपको स्टार्टिंग में बोर नहीं करता हूँ लाइक सब्सक्राइबर मांगने के लिए, पर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, आपको पता है ना भाई बुरा लगता है भाई। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना आप लोगों ने, और भाई आप लोग बहुत से लोग नहीं भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब पहले करो, लाइक बाद में कर देना भाई, पहले सब्सक्राइब करो आप लोग, ठीक है ना, कोई तरीका है भीख मांगने का, तो यही तरीका है हमारा भीख मांगने का, ठीक है ना गाइस, तो आप लोगों ने कर देना भाई, आप लोगों से कर देना भाई आप लोग, ठीक है ना, कर ही देना है, तो चलो कोई नहीं, ये बहुत बात कर लिया मैंने, यहाँ पे अपने ओपोनेंट का थोड़ा गेम प्ले इंजॉय करते अपन। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, जबान इधर उधर चली गई थी, कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, इधर उधर जाती रहती है कभी कभी जबान, तो चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं अपने ओपोनेंट किस तरह से फिनिश करता है गेम प्ले। तो यहाँ पे देखो चारों के चारों कॉइन फंसे हुए फिलहाल, तो यहाँ पे किस शॉट मार रहे भी ध्यान से देखना, कनेक्शन शॉट तो बहुत ही प्यारा मारते हैं, मतलब यार अनएक्सपेक्टेड भाई ये, कि मतलब ये फेयर प्लेयर कभी नहीं मार सकता उस तरह कनेक्शन, भाई 10 बार ट्राई करेंगे तो एक बार अच्छे से लग जाएगा, पर भाई एक बार में नहीं मार पाएगा भाई, ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे ध्यान से देखो ये कट भी मारने को ट्राई कर रहा है और एंगल लेने को ट्राई कर रहा है, ये शॉट देख के भाई
गया, पागल ही हो जाता हूँ एकदम से। गाइस ध्यान से देखो किस तरह से ये शॉट मारता है। अभी तो फिलहाल ये वाली कॉइन को मारने का ट्राई कर रहा था, फिर देखो क्या करता है, इसके बाद कौन सा शॉट मारने वाला है। तो पहले ये देखो, साले मजाक बना के रखते इस गेम को, तो यार डेफिनेटली इन्होंने मजाक बना के रखा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे ये शॉट देख के आप लोगों को तो भाई यकीन हो जाएगा, मतलब पूरे गेम का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे ये शॉट तो आप लोगों ने कतई मिस नहीं करना है भाई, ये आप लोग शॉट सीख भी सकते हो भाई। बंदे ने देखो किस तरह से ये शॉट मारा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। ओ भाई साहब बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब, और वो भी चारों तरफ से टूट चुका हूँ मैं भी, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला शॉट आप लोग देखे होंगे ना, पागल होके जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो लास्ट वाला शॉट है भाई वो देख के जाओ, ऐसे तो गेम प्ले खत्म हो चुका है। ये शॉट आप लोगों ने देखना है कितना बैलेंस के साथ जो टॉप फ्राइड में मार लेता है भाई, वही बिना झिझक के वो भी, और ये गेम प्ले वो भी विन कर लेता है। तो यहाँ पे जो अपना फनी गेम प्ले वीडियो था भाई वो खत्म होता है। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने लाए आप लोगों ने। तो मिलता है एक हॉर वीडियो के साथ कल, तभी के लिए बाय बाय गाइस।